Dear student, welcome to online class. In this video, I will explain you chapter number 12, chapter number 13, and chapter number 14 of your GK book. Let us start chapter number 12. This is a common safety rules. सेफ्टी एट होम, इसमें आपको कुछ सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं। अगर आप घर पे अकेले हैं, पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं, तो आप अपने आप को सेफ रखने के लिए किस तरह स्ट्रेंजर से रेस्पॉन्स करेंगे। तो देखो, एक पिक्चर में फर्स्ट वाले में आपको एक बॉय दिख रहा है, घर में अकेला है, बाहर एक पर्सन है जिसके हाथ में एक बॉक्स है। वो क्या बोल रहा है, आई हैव पार्सल फॉर योर फादर, प्लीज ओपन द डोर। यानी वो उस बच्चे के फादर के लिए कुछ पार्सल लेके आया है, इसलिए वो कहता है कि डोर खोले और ये पार्सल ले लें। लेकिन बच्चे को पहले ही पेरेंट्स ने अवेयर किया था कि किसी भी अननोन पर्सन के लिए आपको डोर ओपन नहीं करना। तो इस कंडीशन में बच्चा क्या रेस्पॉन्स देगा, तो रेस्पॉन्स आपको हेल्प बॉक्स में से सिलेक्ट करना है। तो इसका रेस्पॉन्स क्या होगा, लीव द पार्सल एट द डोर प्लीज। जो भी आप पार्सल लाए हैं वो डोर के बाहर रख दें, मैं ले लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वन में एक उसके फादर का फ्रेंड है, वो बच्चे से बोल रहा है आई एम योर फादर्स फ्रेंड, प्लीज ओपन द डोर। इस कंडीशन में उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, प्लीज कम लेटर, आई हैव बीन टोल्ड नोट टू ओपन द डोर। बच्चा कह रहा आप बाद में आना, मुझे अभी डोर खोलने के लिए मना किया गया है, पेरेंट्स ने बोला किसी भी अजनबी के लिए आपको डोर ओपन नहीं करना। नेक्स्ट वन है उसमें एक पर्सन अपने आप को इलेक्ट्रिशियन शो कर रहा है, आई एम एन इलेक्ट्रिशियन, I have come to repair electric switches and faults. Please open the door. तो इस कंडीशन में रेस्पॉन्स क्या होगा, सॉरी वी हैव नॉट कॉल्ड यू आउट। बच्चा कह रहा मैंने हमने अभी आपको नहीं बुलाया, तो मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। ओके, तो ये कॉमन सेफ्टी रूल्स थे जो हर एक होम में अपनी सेफ्टी के लिए अकेला जो बच्चा हो उसको क्या क्या रिस्पॉन्स देते हैं वो इसमें समझा गए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 13। यस स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 13, कैरियर्स इन मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। इस चैप्टर में आपको मेडिसिन और इंजीनियर से रिलेटेड डिफरेंट स्पेशलिस्ट के नेम दिए हैं और इंजीनियर की ब्रांच दी है। तो फर्स्ट में आपको कुछ डिजीज दी गई है, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके नेम आपको लिखने हैं। फर्स्ट लिखा है इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, यानी वो पर्सन जो छोटे बच्चे या अनबोर्न बेबी के डिजीज के बारे में डायग्नोस करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, उसको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन वो डॉक्टर होता है जो स्मॉल चिल्ड्रंस या अनबोर्न बेबी के रिलेटेड डिजीज के बारे में स्टडी करता है, डिजीज के बारे में ट्रीटमेंट करता है। नेक्स्ट है हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड ट्रीटमेंट करता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। इसी तरह अगला है आपका ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज के बारे में ट्रीटमेंट करने वाले को बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन है आईज, अपनी आंखों के बारे में जो डिजीज होती है
उनमें जो इन्फेक्शन होता है उनके ट्रीटमेंट करने वाले को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। फिर स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में ट्रीटमेंट करने वाले को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। इसी तरह स्केलेटल सिस्टम बोन्स के बारे में जो डिजीज के बारे में ट्रीटमेंट करता है, बोन्स की डिजीज के बारे में, उसको बोलते हैं अपन ऑर्थोपेडिस्ट। ईयर नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड डिजीज है, उनका इन्फेक्शन है, उसका जो ट्रीटमेंट करता है वो होता है ईएनटी स्पेशलिस्ट। मेंटल डिसऑर्डर, अपने जो ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर हो जाए जिससे अपना ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाए, तो उसके बारे में जो डिजीज का ट्रीटमेंट करता है उसको बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। टीथ के बारे में डिजीज है वो पर्सन कहलाता है डेंटिस्ट। और जो अपने को बताता है डाइट के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी डाइट अपने लिए हेल्पफुल है, कौन सी हेल्दी डाइट है, इसमें कौन सा आयरन होता है, कौन सा मिनरल्स होता है, कौन सी विटामिन होती है, वो पर्सन कहलाता है डाइटिशियन। तो ये फर्स्ट पार्ट था वो मेडिकल स्पेशलिस्ट का था। सेकंड वाला है इंजीनियरिंग का, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। तो इसमें दिया है फर्स्ट एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग के बारे में, उनकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे ऑपरेट करते हैं, वो सब कुछ जिस ब्रांच में सिखाया जाता है उस ब्रांच का नेम है एरोनॉटिकल। सेकेंड है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, जो खेती में काम आने वाली मशीनें हैं, टूल्स हैं, उनके बारे में जिस ब्रांच में अपने को स्टडी किया जाता है वो है एग्रीकल्चरल। उसके बाद है मोटर व्हीकल्स, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, उनके इंजन के बारे में, उनमें क्या टेक्निकल मिस्टेक्स हैं, उनकी डिजाइनिंग के बारे में, वो ब्रांच है ऑटोमोबाइल। फिर है केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, डिफरेंट केमिकल्स हैं, उनसे बनने वाले प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में जो इंजन की ब्रांच है वो कहलाती है केमिकल। कंप्यूटर और इट्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो ब्रांच है वो होगी कंप्यूटर। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बताती है जो ब्रांच, इसमें वो होती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। शिप्स और देयर इक्विपमेंट्स, जो जहाज है पानी में चलने वाले, उनके टेक्नोलॉजी के बारे में और उनमें काम आने वाले जो टूल्स हैं उनके बारे में जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो होता है मैराइन। ऑल काइंड्स ऑफ मशीन, सारी मशीनों के बारे में जो स्टडी कराता है अपने को वो होता है मैकेनिकल ब्रांच। फाइबर्स एंड फैब्रिक, धागे कैसे बनते हैं, उनसे कैसे कपड़े बुनते हैं, उनका टेक्सचर क्या होना चाहिए, उनकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, ये सारे स्टडी करता है अपने को टेक्सटाइल ब्रांच। और बिल्डिंग्स, रोड्स, कैनल्स, डैम्स, इनका मेप बनाता है, इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, है ना, इनके बारे में होता है सिविल इंजीनियरिंग में। तो इस चैप्टर में केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग की ब्रांच के बारे में, उनके स्पेशलिस्ट के बारे में आपको बताया गया था। ओके, यस, चैप्टर नंबर 14 है अमेजिंग एनिमल्स। इस चैप्टर में कुछ स्पेशल एनिमल्स दिए हैं जिनका बिहेवियर यूनिक होता है, यानी बाकी एनिमल्स में ऐसा बिहेवियर नहीं पाया जाता, तो ये स्पेशल एनिमल्स हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। फर्स्ट लिखा इसमें फीमेल फोसा, इट इज ओनली फीमेल ममेल दैट कैन टेम्परेली चेंज इट्स सेक्स, इट इज ए कैट लाइक कार्निवोर, ए नेटिव ऑफ मेडागास्कर अफ्रीका, यानी ये अफ्रीका में रहने वाला एक कैट जैसा कार्निवोर्स है जो टेम्परेली अपना सेक्स चेंज कर सकता है, फीमेल होते हुए भी कुछ टाइम के लिए इसमें मेल जैसे इंडिकेशन होते हैं।
नेक्स्ट है स्पॉटेड हाइना, इट इज द मोस्ट इफिशियंट स्क्विंजर, इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम कैन ब्रेक डाउन इवन बोन्स एंड होल, यानी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये हड्डियों को भी डाइजेस्ट कर सकता है। अगला है यूरोपियन वाइल्ड बियर, दिस ममेल हैज सच स्मॉल इंगलेट्स दैट द मदर बिल्ड ए नेस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, अपने बच्चों को शिकार से बचाने के लिए बर्ड की तरह ये घोंसला बनाता है, नेस्ट बनाता है। नेक्स्ट वन है श्रू, दिस ममेल डज नॉट स्लीप एट ऑल, पूरी लाइफ में कभी सोता नहीं है, एंड ईट्स 80-90% ऑफ इट्स ओन बॉडी वे इन फूड डेली, और डेली ये अपनी बॉडी के वेट का 80-90% फूड के फॉर्म में यूज करता है। नेक्स्ट वन है ब्लैक टेल्ड पेरिया डॉग, दिस ममेल इज फेमस फॉर इट्स लार्ज कॉलोनीज, बहुत बड़े ग्रुप में रहता है ये। वन सच कॉलोनीज डिस्कवर्ड कंटेन अराउंड मैनी मेंबर्स लिविंग टूगेदर, करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट है सूटी टर्न, दिस बर्ड रिमेन्स इन एयर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी ये मोस्ट ऑफ द टाइम केवल उड़ता ही रहता है। आफ्टर लिविंग द नेस्ट, घोंसला छोड़ने के बाद ये 3-10 ईयर तक उड़ता रहता है। इट लैंड्स ओनली टू ब्रीड, केवल रिप्रोडक्शन के टाइम में ही ये वापिस लैंड पे आता है, अपने घोंसले में आता है। नेक्स्ट है हुडेड पिटोइहू, हुडेड पिटोइहू दिस इज ए पॉइजनस बर्ड, जहरीला होता है ये। इट्स फीदर एंड स्किन कंटेन्स ए वेरी पावरफुल पॉइजन, इसके पंखों में इसकी स्किन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन होता है। इसके बाद है लंग फिश, दिस फिश हैज द लॉन्गेस्ट स्पैन ऑफ सर्वाइवल आउट ऑफ वाटर, यानी अकेली फिश है जो पानी के बाहर बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकती है। व्हेन द वाटर ड्राइज इट बरोस इनटू द ग्राउंड, जब पानी सूख जाता है तो ये जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसमें अपने लाइफ सर्वाइव कर सकती है। एंड फॉर्म्स ए मॉइस्चर सेविंग कुकून्स, और ये स्पेशल टाइप का एक कुकून बनाती है जिससे मॉइस्चर सेविंग होती है अराउंड इट्स बॉडी टू सेव इट्सेल्फ, इट ब्रीथ विथ इट्स लंग्स, और उस टाइम ये लंग्स से ब्रीथ करती है। अगला है बुलडॉग एंट, इट इज द मोस्ट डेंजरस इंसेक्ट, बहुत खतरनाक ये एक इंसेक्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट स्टिंग्स इट्स प्रे ए नंबर ऑफ टाइम्स इंजेक्टिंग वेनम, अपने शिकार पर ये बहुत बार अपने स्टिंग से वार करता है और उसके थ्रू उसमें पॉइजनस छोड़ता है, पॉइजन छोड़ता है। इट कैन किल एन एडल्ट, यानी एक आदमी को ये 15 मिनट में इसका जहर है वो मार सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग इसमें पॉइजन होता है। तो ये अमेजिंग एनिमल्स थे जिसमें यूनिक करेक्टर होता है जो बाकी एनिमल्स से इनको डिफरेंट बनाता है। ओके।